हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज हम इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखाने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोल का जो काम चल रहा था पहले, जो हम दिखाएं उसी में जो है लेफ्ट से राइट साइड जो है केबल गाड़ा जा रहा है। अब क्या यूज है केबल का, ये केबल जो है जो ऊपर में देख रहे हैं आप लोग 12000 का जो कलेक्शन किया गया था, इधर से उधर क्रॉस किया गया है, उसको हटा करके जो है केबल के थ्रू दिया जाएगा लाइन। तो इसमें किस प्रकार से केबल लगाया गया और कितना मोटाई है सारा कुछ देखने को मिलेगा इस ब्लॉग में। तो आप लोग लास्ट तक जरूर वॉच करें ताकि आप लोगों को सारा कुछ जानकारी मिल सके इसमें, ठीक है। तो चलिए हम ब्लॉग को शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे अभी जो हम पोल के जो है राइट साइड में खड़ा है और देखें यहाँ पर पोल का नंबर वगैरह लिखा हुआ है, कवर चुका है राइट साइड। और इसी में देखिए पोल गाड़ा हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल, पहले ही हम दिखाए थे किस प्रकार से काम चल रहा था इलेक्ट्रिक पोल का जोरों शोरों से। उसी में जो है मोटा मोटा केबल भी गाड़ा जा रहा है गैस कनेक्शन के लिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये वीडियो में। देखिए ये केबल जो है 12000 कनेक्शन के लिए दिया गया है, दोनों साइड दो को केबल लगाया गया है इसमें। और देखिए ये जो है केबल है, छुएंगे नहीं क्योंकि इसमें जो है कनेक्शन दिया गया है 12000 का, करंट भी आ सकता है इसीलिए रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए आप लोग दूर से दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से इसको जो है कनेक्शन किया गया है, अभी कनेक्शन नहीं दिया गया है केबल में, सिर्फ ऊपर में जो है क्रॉसिंग था यहाँ पर, इसी चलते ये जो है लाइन को नहीं काटा गया है अभी, सिर्फ फिलहाल के लिए इसको जो है कनेक्शन दिया गया है 12000 का। यही कनेक्शन को हटाने के लिए जो है केबल का यूज किया गया है यहाँ पर, ये केबल के थ्रू जो है इस कनेक्शन को जो हटा करके केबल के थ्रू इसको जोड़ा जाएगा, ठीक है। उधर का 12000 का तार जो उधर रह जाएगा और इधर का जो है इधर चला जाएगा, नीचे से क्रॉस किया जाएगा। काफ़ी मोटा है गाइस जिसका जो है कनेक्शन किया गया है, अभी आप लोग को देखने को मिलेगा सामने से, भी दिखाएंगे दूसरे जगह का किस प्रकार से इसका मोटाई है और कैसा जो है ये काम हुआ है, सारा कुछ देखने को मिलेगा इस ब्लॉग में। तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। देखिए लेफ्ट से राइट साइड जो है इसका जो है गड्ढा करके दिया गया है, क्योंकि ये जो है हजारों लाखों साल पहले लाखों सालों तक ये जो है रहने वाला है, क्योंकि ये कभी कुछ होने वाला नहीं, इसके ऊपर में जो है रोड रहेगा तो ये कभी कपड़ा ना उना कुछ नहीं करना है, छूना उना कुछ नहीं, इसीलिए जो है हमेशा के लिए इसको जो है गाड़ा जा रहा है, ठीक है। इसीलिए मोटाई इसका बहुत काफ़ी ज़्यादा है, देखने को मिलेगा आप लोगों को अभी। और देखिए दोनों साइड जो है सर्विस रोड का काम चल रहा था एक ही दिन में, गए बहुत लंबा चौड़ा जो है कर दिया गया है, कल है जो है स्टार्ट हुआ है। और देखिए हम लोग हर तरफ से जो है इधर पूरा लगता है हमको 3 से 4 किलोमीटर तक जो है इधर पूरा जो है सर्विस रोड बना दिया गया है। अब जो है अब काम इसमें कब स्टार्ट होती है, काम तो स्टार्ट हो गई है, दूसरे जगह भी चल रहा होगा इसका सर्विस रोड का काम, ठीक है। अब इसमें जो है बीच में जो रोड बनेगा उसमें काम स्टार्ट होगा, इस ये बनाया गया है, इसमें जो है रोड में जो है गाड़ी चलेगी तो साइड साइड में अपना माल सब आता है ना डस्ट वगैरह, तो यही रोड में जो है चलेगी, ठीक है। बीच में काम होगा रोड का और साइड साइड में जो है गाड़ी वगैरह चलेगी, तो रोड बनाने में कभी दिक्कत ना होगा। इसी के चलते दोनों देखिए उधर भी जो है सर्विस रोड बनाया गया, वो लेफ्ट पोल है, लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ये जो रोड है सीधा ही बनाया गया है, जैसे कि यहाँ पर ऊँचा था, इसी चलते जो देखो इसको जो है घुमा दिया गया, ऐसे करके घुमा करके मोड़ दिया गया। अभी जो है सिर्फ इसमें काम को चलाने के लिए अभी जो है टेढ़ा मेढ़ा करके ले गया, लेकिन ये जो है एकदम सीधा ले जाएगा, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे का हम बताते हैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोल का किस प्रकार से मोटाई है और कैसा है, तो आप लोग बने रहें। फाइनली गाइस हम दूसरे जगह पहुंच गए हैं जहाँ पर जो है केबल अभी उठाया नहीं गया है, सिर्फ नीचे में जो है रखा गया कनेक्शन करके, जिसमें जो है 12000 का तार जोड़ा जाएगा। देखिए इसमें जो है 3 फेज होता है और किस प्रकार से इसमें जो है रहता है, देखिए कितना मोटाई है, कितना किस प्रकार से है, बहुत ही जो है बारीकी से काम किया गया है इसमें, कोई लापरवाही का काम नहीं हुआ इसमें, सारा कुछ जो है अच्छा से काम चल रहा है। इसमें जो है 2 पाइप दिया गया है, ठीक है, यानी 2 केबल लगाया गया है, काफ़ी वज़नदार है। देखिए किस प्रकार से, अभी थोड़ा शाम हो गया है जिसके चलते आप लोग क्लियर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा हम फ्लैश चला लेते हैं उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे अच्छा से। देखिए दूर से तो नज़र नहीं आ रहे हैं केबल, देखिए सामने से हम दिखा रहे हैं कितना मोटा केबल है, देखिए उठा नहीं सक रहे हैं, बहुत भारी है, ठीक है। देखिए किस तरह से केबल रहता है, इसमें तार देखिए कितना बारीकी से जो है लगाया गया है,
एक थोड़ा सा भी गैप नहीं है इसका। देखिए किस प्रकार से है, ये जो है हमेशा के लिए लगाया जा रहा है गैज, इसी के चलते जो है इसमें जो है बहुत ही बारीकी से काम हो रही है। और किस तरह से केबल है सारा कुछ दिखाएंगे आप लोगों को। ये जो है राइट साइड का दिखा रहे हैं, अभी जो है लेफ्ट साइड का भी हम दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए किस प्रकार से इसमें जो है अंदर में अभी दिखाएं ना, उसी के अंदर में जो है लपटा हुआ रहता है ये वाला तार जैसा है, बहुत ही मजबूत होता है ये। इसको देखिए हम उठा रहे हैं, अभी कुछ बांधने के लिए हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए लेते जा रहे हैं। बढ़नी वगैरह जो होता है ना गाँव में, देहाती गाँव में रखा गया, फेंका फेंक दिया गया है इसको, कोई लेके नहीं गया था, इसलिए हम लोग उठा लिए थोड़ा सा। ये देख रहे हैं गाइस, ये जो है राइट साइड का है, चलिए हम लेफ्ट साइड को लेकर चलते हैं आप लोगों को। देखिए ये जो है तार को देखिए यहाँ से कोड़ के लगा गया इधर से घुमा करके यहाँ निकाला गया। और देखिए इसी के बीच में जो है खुदाई किया गया था दो दिन पहले, और इसी में जो है केबल को गाड़ा गया है। तो चलिए लेफ्ट साइड लेके चलते हैं आप लोगों को और दिखाते हैं किस प्रकार से निकाला गया है उधर भी। देखिए इसी जो डिपो जैसा दिख रहा है आप लोगों को, इसी में जो है केबल को गाड़ा गया है, ठीक है, ये हमेशा के लिए है गाइस, इसीलिए इतना मोटा मोटा केबल का यूज किया गया है। इधर जो है लेफ्ट साइड है, उधर जो दिखाया अभी हम राइट साइड था, ठीक है। देखिए हम पहुंच चुके हैं लेफ्ट साइड। देखिए यहाँ से दो पाइप निकाला गया है, और इधर जो है दो पाइप निकाला गया है, यानी दो केबल, पाइप नहीं है, मोटा मोटा केबल है। देखिए दो बहुत मोटा है और दो थोड़ा सा मीडियम है। देखिए किस तरह छोड़ाया गया है इतना मोटा केबल, किस तरह रहता है। ये वाला मोटा वाला है, इससे मीडियम वाला, ये वाला है, यानी दो कवर रहता है इसमें, एक ये शायद ये ऊपर में रहता है, उसके बाद ये रहता है, नहीं ये ऊपर में रहता है, ये अंदर में रहता है। देखिए कितना भारी है, उठा नहीं सक रहे हैं, बहुत भारी है। कि ये जो है अर्थिंग निकाला गया है, बिजली उजली कड़कता है ना, उसके लिए कनेक्शन दिया गया है ताकि कुछ हानि ना पहुँचे। कितना मजबूत है, बहुत ही काफ़ी भारी है गैस। इधर कार्टून है, इसी में सामान वगैरह आया गया था, 3M 4 इंडस्ट्री यूज ओनली, ये सिर्फ इंडस्ट्री यूज के लिए है बनाया गया है। तो देखिए इसमें जो है एक मोटाई में कितना केबल रहता है, तीन केबल रहता है देखिए, और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ पाइप जैसा दिख रहा है। देखिए काफी मोटा केबल है, दोनों में तीन तीन केबल है। केबल का बुक है इसमें, देखिए क्या कुछ है इसमें, सारा केबल के बारे दिया हुआ। पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है गाइस, आप लोग पढ़ सकते हैं जो जानते हैं इसके बारे में, पूरा बुक है केबल का, ठीक है। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, हमको दिखाना था किस प्रकार से केबल का यूज किया जाता है 6 लाइन एक्सप्रेसवे में, ठीक है। तो चलिए इस ब्लॉग में यहीं इतने तक था, तो आप लोग कैसा लगा अपना को राय दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, जय झारखंड।